हेलो गाइस, आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं 711@Study चैनल के ऊपर। आज का जो नया सेशन हम लेकर आए हैं, इसमें RSSB द्वारा लिया गया पेपर है जो कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 वाला। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 12 नवंबर 2022 को प्रथम पारी यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाला 10 से 12 बजे तक का, तो इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से पहले 30 क्वेश्चन जिसमें मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन, और 30 के बाद में फिर राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान GK के जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछे गए। तो अपन शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी मैं सीधा राजस्थान GK पे चलता हूँ। तो 31वें क्वेश्चन पर अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई 31वां क्वेश्चन अपना। थर्टी वन वा क्वेश्चन आ गया अपना। अगस्त 2022 में राजस्थान के उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर देश पढ़ी जानी चाहिए। तो 65 के स्थान पर कितनी कर दी गई है? 70 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जिसमें 1338 करोड़ रुपये का निवेश होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। कौन सी देश के साथ क्या है भाई? जापान। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राज्य के विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर और डूंगरपुर हो जाएगा भाई, ठीक है, जोधपुर और डूंगरपुर, ठीक है। ये करंट का सवाल है राजस्थान, ये फिर करंट का आ गया। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है? तो 36 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RE VP नीति को मंजूरी दे दी है। RE VP में ई का अर्थ जो है वो क्या है? तो इलेक्ट्रिक का है अभी। ई का अर्थ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो 38 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो सांचौर जालौर के अंदर, का सांचौर जालौर में। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो सांचौर जालौर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो राज्य सूचना आयोग द्वारा, राज्य सूचना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 40 पे चलते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 40 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया भाई, दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 40 से 41वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? ये कथन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, तो ये कथन इसका गलत है। तो इसमें ये पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कथन नंबर एक बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा अपना, वोट देने का अधिकार नहीं है इनको।
विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता लेकिन वोट नहीं दे सकता महाधिवक्ता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष नेता थे? तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जसवंत सिंह। कौन थे भाई प्रथम विपक्ष के नेता? जसवंत सिंह थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो 43 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा, जनगणना का जो काम है वो ग्राम सभा का नहीं है। जनजाति कल्याण भी है, ग्रामीण स्वास्थ्य भी है, जल योजना भी है, लेकिन जनगणना नहीं है भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान की मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वसुंधरा राजे का हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ वसुंधरा राजे को। तो आप कमेंट में बताएं भी कब आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो मैं बता देता हूँ ये कब आता है भाई। 8 मार्च के दिन आता। कब आता? 8 मार्च को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर, क्योंकि जहाँ जयपुर की जनसंख्या ज़्यादा है तो विधानसभा सीटें भी ज़्यादा है। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था? तो 46 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था भाई? 18 अप्रैल 1948। ऑप्शन नंबर वे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मैंने पिछले पेपर में इसका सॉल्यूशन भी बताया, ये क्वेश्चन भी बन गया दो, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का सी। महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी 12 सालों तक रही थी। कितने सालों तक? 12 साल तक। और अगर ऑल ओवर अपन बात करते कि भाई चावंड राणा महाराणा प्रताप से लेकर कब तक राजधानी रही, तो मुगल संधि 28 साल तक रही थी लगभग। कितने साल तक भाई? 28 साल तक राजधानी रही थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्बाड़ी उप बोली है? तो 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना मालवी के भी। किसकी? मालवी के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 48 के बाद अपन 49। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो 49 का जो सही उत्तर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से सत्य कथन है, लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर पशुपालन का अवशेष प्राप्त हुए? दूसरा, आहार स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। तीसरा कथन जो है, कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल थर्ड सही है भाई कथन। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। 51 क्या कहता है? 51वां क्वेश्चन है कि गलत युग्म को चुनिए। तो देखो 84 खंभों की छतरी ये कोटा में नहीं, ये गलत हो गया। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, ये सही है। मामा भांजा की छतरी ये भी जयपुर में नहीं, ये भी गलत है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी ये कुंभलगढ़ में है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 का। ठीक है, 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है और मामा भांजा की छतरी है जो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के किले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 51 के बाद। नेक्स्ट आगे चलते 52। सुदर्शनगढ़ किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना नाहरगढ़ हो जाएगा, जयपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते भारतीय प्राचीन लिपि माला का प्रसिद्ध लेखक है? ये क्वेश्चन बाहर सीईटी के एग्जाम में भी आया था और वापस रिपीट, पहले ये वन रक्षक में आया, फिर सीईटी में आया, यानी एक वापस रिपीट हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि पुराने पेपर को आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन बार बार उन्हीं में से रिपीट होते हैं। तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ग्रंथ है, 53 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 54 का सही उत्तर चार चौमा का शिव मंदिर कोटा के अंदर है। कहाँ है चार चौमा का शिव मंदिर? कहाँ है? कोटा में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। अधोलिखित युद्धों को सही कालानुक्रम है? तो 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले तराइन का युद्ध, तराइन के बाद फिर गिरिसुमेल, गिरिसुमेल के बाद फिर हल्दीघाटी, हल्दीघाटी फिर दिवेर का युद्ध।
का युद्ध जो हुआ था अपना 1191 और 92 दोनों में हुआ था हाल। उसके बाद गिरी सुमेल 1544 में हुआ था। उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध 1576, और उसके बाद जो अपना है कौन सा, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। कब वो 1582 में, तो ये क्रम हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते। डोंगजी और जवाहरजी किस जिले के थे, तो ये सीकर जिले के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1933 में हुई थी भाई। कब हुई, 1933 में। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना करी थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1488 ईस्वी में करी थी। कब करी थी भाई, 1488 में। बैणेश्वर मेला कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा को बैणेश्वर मेला लगता है, सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भवाई नृत्य की भी। ठीक है, विग्रहराज चथित रचित रचना हरी केली क्या है, हरी केली एक नाटक है। 61 का ए हो जाएगा, क्या है, नाटक। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। लाल नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत हैं, तो 62 का जो अपना सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जसनाथी संप्रदाय से इनका संबंध था। बिलाड़ा से संबंध किस लोक देवी से है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का अपना आई माता से है भाई। बिलाड़ा का संबंध जो जोधपुर में पड़ता है वो आई माता से। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। खुगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो 64 का जो वो गले के अंदर पहना जाता है। कुगाली यानी हसली होती ना, जो मारवाड़ की लोग पहनते हैं वैसी होती है। निसारदीन और साहिबदीन चित्रकला से संबंधित है, तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मेवाड़ से है, विकास है मेवाड़ से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। पन्ना मीणा का कुंड स्थित है, तो पन्ना मीणा का जो कुंड स्थित है वो कहाँ स्थित है भाई, वो जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सांबर झील को शामिल किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। सुमेलित करना, जोधपुरा साबी नदी के ना सुमेलित नहीं ये बताना, कालीबंगा गग्गर पर, ओजियाना खारी पे, बालाथल कांतनी पे, तो इसका अपन सही उत्तर देखते हैं 68 का कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बालाथल कांतली पे नहीं है। बालाथल सभ्यता तो उदयपुर में पड़ती है, कांतली सीकर में, बाकी जोधपुरा साबी पर है, कालीबंगा गग्गर पर है, ओजियाना खारी नदी पर, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो इसका सही मल्लिनाथ जी सही उत्तर हो जाएगा। रागमाला किस चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो 70 का जो सही चावंड शैली का रागमाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। आगेवाणी के संपादक है, तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास। आगेवाणी जो समाचार पत्र वो किन का है, जयनारायण व्यास का। नेक्स्ट आगे चलते हैं 72। जसवंत थड़ा का है जोधपुर में। ठीक है, लालगढ़ महल ये बीकानेर में, लालगढ़ महल का बीकानेर में। फूल सागर महल बूंदी में, जगदीश मंदिर उदयपुर में, जिसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड फोर। देख लो ऑप्शन में थर्ड और फोर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है, तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए है। ठीक है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। पहला कथन, पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। दूसरा कथन, रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो 75 का अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो तीनों ही सत्य है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक
तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये भी सही है, तीनों कथन सत्य माने हुए। ठीक है, भीलों का वस्त्र के संबंध में फैटा है, तो 76 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। फैटा जो एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है जिसे पगड़ी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो ये 77 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 बिल्कुल सही है, जबकि गग्गर का मैदान ये हनुमानगढ़ में है। कहाँ भाई? हनुमानगढ़ में। ठीक है, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो 78 का सही, सासी जनजाति जो पाई जाती है भरतपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? AW सीकर और चूरू, यही सुमेलित नहीं है। AW यानी सबसे ज़्यादा बरसात वाली जगह कोपेन की जलवायु के अनुसार। तो 79 का उत्तर हो जाएगा AW। बाकी BSHW ये बाड़मेर जालौर सही है, BWSW जैसलमेर और पश्चिम बीकानेर ये भी सही, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। कौन सी नस्ल मालानी कहलाती है? तो 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी, थार पारकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आनंदपुरा भूखिया और तिमारण माता प्रसिद्ध है, तो 81 का जो सही उत्तर है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम काली मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा पाई जाती है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आजम और जाजम जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान निम्न में से किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का न्यूनतम लिंग अनुपात था? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा अपना झुंझुनू, सबसे कम। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में ब्लैक पोल्ट्री फूलदानों प्लेटों मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा कोटा, ब्लैक पोटियम या फूलदान प्लेटर और मटके बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, शामिल नहीं है, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। जय संबंध अभ्यारण्य ये शामिल है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये भी शामिल है, और जालाना आमागढ़ संरक्षण जयपुर ये भी शामिल है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 86 के बाद आगे चलते हैं, 87 पे चलते हैं ना। मिलाइए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है तो इसको अपन सुमेलित कर लेते हैं पहले। 87 का देखो, नर्मदा जो है वो जालौर और बाड़मेर में, नर्मदा जालौर और बाड़मेर में होगी। ठीक है, जाखम प्रतापगढ़ में होगी, जाखम का प्रतापगढ़ में, और जवाई पाली के अंदर होगी, और सिद्धमुख जो है हनुमानगढ़ और चूरू में होगी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट का अपना 4 और सेकंड का अपना जो हो जाएगा फर्स्ट, 4 फर्स्ट। अब देखते हैं 4 फर्स्ट का दिया हुआ उसके हिसाब से 4 और फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में सही कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया। दूसरा, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। तीसरा, ये रूपनगढ़ अजमेर में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और C यानी 1 और 3 वाला, यानी 1 और 3 वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया और ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये दूसरा वाला गलत है कि इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क नहीं कहा गया। पटलिया लालर और मुम्मल और बिछिया क्या, ये राजस्थानी लोकगीत है भाई। ठीक है,
कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, नेक्स्ट अपन आप आगे चलते हैं। 91 हो गया, 91 के बाद 92 पे चलते हैं। आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी भाई? मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने। मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। लसाड़िया का पठार स्थित है, तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर। जयपुर मेट्रो रेल व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा 2015 में शुरू हुई थी भाई सबसे पहले मेट्रो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है। कौन से भाग में मिलता है? दक्षिणी पूर्वी में। कौन सी वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा राजसिखो। राजसिखो का काम होता है हस्तशिल्प के विकास के लिए, ये कुछ अपने काम करती है, उनको प्रोत्साहन देती है आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आगे। वे स्थान जैसे भारत प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो ये रेड सभ्यता टोक के अंदर पड़ती है, इसे कहा जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाओ। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पूर्व के अंदर सबसे पहले तो कौन आ जाएगा भाई? धौलपुर। धौलपुर के बाद अपना अजमेर, अजमेर के बाद पाली, पाली के बाद जैसलमेर, यानी उल्टा क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 98 क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 4321 उल्टा क्रम बिल्कुल राइट है। पंजाब शाह उर्स कहाँ मनाया जाता है, यानी पंजाब शाह उर्स का मेला कहाँ लगता है? तो 99 का सही हो जाएगा अजमेर में, 2.5 दिन के झोपड़े पे। ठीक है। राजस्थान के लिए कहावत है कि अकाल से संबंधित है, तीजो कूरियो आटो काल, इसमें कूरिया का अर्थ है। तीजो कूरियो यानी अर्धकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हाल ही के अंदर ये मैंने अकाल की क्लास ली है, इसमें एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। देखो ये क्वेश्चन बन ही गया, ये पेपर मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी देखो कि जो क्वेश्चन कराए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार आप मेरे ओल्ड पेपर की जो सीरीज है उसको एक बार अच्छे से देख लें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे।